भरतपुर की बात करते हैं, जहां पर नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर आज राजस्थानी कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट करने की चेतावनी दी। रैली के संयोजक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा ही सफाई कर्मचारियों को निर्धारित दर से कम राशि का भुगतान कर शोषण किया जा रहा है। चेतावनी दी है हम नगर प्रशासन को, जो सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, मानवीय समाज का शोषण हो रहा है, वो शोषण अगर ये बंद नहीं किया तो ये अब कल से भरतपुर सफाई बंद है, क्योंकि सफाई कर्मचारी सफाई में भारी घोटाला है। ये मेयर खुद स्वीकार कर चुके हैं सफाई में घोटाला है। आयुक्त कह रहे हैं हमको जेल नहीं जाना है भर्ती करके, सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे। राज्य सरकार के आदेश है 2012 में सफाई कर्मचारी भर्ती करो। नगर निगम प्रशासन कहता है कि भैया ऐसा सफाई कर्मचारी कमी है भरतपुर भारी, तो कमी है भर्ती करो। भर्ती ना करना चार साल से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। भर्ती क्यों नहीं कर रहे थे, कमी है कर्मचारियों की। दूसरी, सफाई कर्मचारी वर्तमान में कार्य करते हैं, 500 कर्मचारी 10,000 वार्डों में लग रहे हैं और पेमेंट 650 हो रहा है, 150 कर्मचारी खा जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, खुले में घोटाला हो रहा है, कचरा उठाने में घोटाला, हर चीज में घोटाला। तो मेयर सबसे बड़ा सबूत है, मेयर खुद स्वीकार कर चुके हैं कि निगम में सफाई में घोटाला है, फिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साफ है ये भ्रष्टाचार की पूरी चौकड़ी मिली हुई है। अब जनता आंदोलन में उतरी आई है, पूरा भरतपुर वाल्मीकि समाज और सारे समाज संगठन के साथ है और ये आंदोलन कल से भरतपुर सफाई ठप है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी।